साधारण तरीके से हाथ की पांच उंगलियों में समझा देता हूं ये एनआरसी क्या है। 1 अप्रैल आज से ढाई महीने बाद आज से 70 दिन के बाद पूरे देश में गिनती शुरू हो जाएगी एनआरसी एनपीआर। क्या होगा? सबसे पहले छोटी उंगली, हाथ की छोटी उंगली सबसे पहले, यानी कि आप कोई आएगा, कोई स्कूल का टीचर आएगा और कहेगा कि मैं सिर्फ गिनती करने आया हूं, आपके घर कितने लोग रहते हैं, कितने शख्स रहते हैं, बस उनकी गिनती करनी है, कितनी उम्र है ये लिखना है, बस आप मुझे बता दीजिए। तो याद रखिए 1 अप्रैल से पूरे देश में शुरू हो जाएगा। आपके घर आएगा कोई टीचर, आएगा पूछेगा घर में कितने बाशिंदे हैं, सबका नाम बता दीजिए, सबकी उम्र लिखा दीजिए और साथ में पूछेगा कि आपके जो अब्बा और अम्मी हैं, आपके मां पिता जो हैं, वो कब पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे, बस लिख के ले जाएगा। हमने यहां नारे सुने हैं कागज नहीं दिखाएंगे, हम सोचेंगे कागज तो इसने मांगा ही नहीं हमसे, कोई बात नहीं, हम सोचेंगे कि कागज तो अभी मांगा ही नहीं क्योंकि पहली बार छोटी उंगली है, वो कागज मांगेंगे नहीं शुरू में, सिर्फ ये मालूमात लेके, इंफॉर्मेशन लेके लिख के चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा मामला शुरू होगा, दूसरा स्टेप शुरू होगा, दूसरी उंगली जो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है वो ये कि तहसीलदार के दफ्तर में जाके ये जो नाम लिखे हैं इनमें से कुछ नामों के सामने डी लिख दिया जाएगा। डी का मतलब डाउटफुल, हिंदी में इसका मतलब संदेहास्पद, जिसपे शक है। तो आपके मोहल्ले से 500 लोगों का नाम लिख के ले गए और उनमें से समझ लीजिए 50 नाम के आगे डी लगा दिया, यानी कि इन 50 लोगों पे शक है कि ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। कैसे शक होगा भाई? किस आधार पे आपको पता लगेगा? कुछ भी हो सकता है, हम बिहार में हैं, कितना सीमांचल हमारे यहां लगा हुआ है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अपना मधुबनी, उसके आगे अररिया, किशनगंज, सब नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका। तो अगर किसी ने लिखा दिया कि मेरा जन्म नेपाल में हुआ था, या किसी ने कह दिया कि मेरी मां का जन्म नेपाल में हुआ था, पिताजी का जन्म नेपाल में हुआ था, ये तो होता ही रहता है, यहां तो शादियां नेपाल के आर पार होती रहती, तो उसके आगे लग जाएगा डी, डाउटफुल, आपकी नागरिकता पे संदेह है। किसी ने ना भी दिखाया तब भी उसके बारे में डी लग सकता है, किसी ने शिकायत कर दी तब भी उसके आगे डी लग सकता है, डी लग जाएगा। फिर तीसरी उंगली आएगी सबसे बड़ी, आपके घर चिट्ठी आएगी सरकार, कहेंगे आप पे शक है कि आप इस देश के नागरिक नहीं है। घर के सारे लोगों को आए जरूरी नहीं है, हो सकता है कि पिताजी को नहीं आए, मां को आ जाए चिट्ठी, हो सकता है घर में एक भाई को आ जाए, दूसरे को ना आए चिट्ठी, चिट्ठी आएगी। उस चिट्ठी में कहा जाएगा कि अब आप साबित करो कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हो। हम सोचेंगे चलो ये क्या दिक्कत की बात है, मेरे पास तो आधार कार्ड पड़ा है, मेरा नाम तो वोटर लिस्ट में था और राशन कार्ड भी हमारा बना हुआ है। लेकिन जब आसाम में ये गिनती हुई, इन तीनों को खारिज कर दिया, कहा ना ना आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, वोटर लिस्ट में नाम है तो क्या फर्क पड़ता है, राशन कार्ड को अपने पास रखो, ये साबित करो कि तुम कहां पैदा हुए थे, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, अगर पिताजी यहां पे पैदा हुए तो ठीक है,
आपकी अम्मी और पिताजी की शादी हुई, शादी का सर्टिफिकेट लेके आओ। कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे? ये सिर्फ एक धर्म का मामला नहीं है, इस देश के ज्यादातर गरीब लोग कहां से सर्टिफिकेट लेके आएंगे। मैं पढ़े लिखे घर से हूं, मेरी अम्मी स्कूल में टीचर थी, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे। आप मुझसे पूछ लीजिए मेरी मां कहां पैदा हुई, मुझे पता नहीं है। या तो इलाहाबाद में पैदा हुई या गुड़गांव में पैदा हुई, मुझे आज तक नहीं पता मेरी मां की पैदाइश कहां की है। मैं कहां से सर्टिफिकेट लाऊंगा? करोड़ों करोड़ लोग इस देश के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, उनके पुरखों सैकड़ों साल से इस मिट्टी में है, लेकिन कागज मांगोगे तो कागज कहां से आए। तो तीसरी उंगली सबसे खतरनाक उंगली है, उसके बाद चौथी उंगली है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। फिर मान लीजिए इन 50 लोगों में से 10 लोगों के बारे में सरकार फैसला करती है कि इनके दस्तावेज ठीक नहीं है, तो फिर उन 10 लोगों को कहा जाएगा अब तुम्हें एक आखिरी मौका मिलता है ये साबित करने का कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो। एक कचहरी में भेजेंगे, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल उसको बोलते हैं। जिन जिन लोगों को आसाम में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में क्या हुआ उसका खुलासा हमारे साथी करेंगे, वो तो कोई कोर्ट नहीं है, यो ही चार वकीलों को बैठा दिया वहां पे और वो झटपट अपना इंसाफ करने लग गए। तो चौथा वो, और अगर फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने भी कह दिया कि नहीं आप तो विदेशी हो, आपके कागजात तो पूरे नहीं है, तो फिर पांचवी उंगली या अंगूठा, वो क्या? डिटेंशन सेंटर, मतलब जेल। प्रधानमंत्री कहते हैं डिटेंशन सेंटर है ही नहीं जेल देश में, अरे ग्वालवाड़ा के अंदर डिटेंशन सेंटर है, उसके ऊपर टीवी वालों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, उसके ऊपर सरकार लोकसभा में जवाब दे चुकी है, कर्नाटका में दूसरा डिटेंशन सेंटर खुल चुका है, सरकार ने एक बार नहीं कई बार इसके बारे में जवाब दिया है, सरकार ने पूरी किताब बनाई है कि डिटेंशन सेंटर में लोगों को कैसे रखा जाएगा, मर्दों और औरतों को अलग कैसे किया जाएगा, बच्चों को कहां रखा जाएगा, और प्रधानमंत्री कहते हैं कुछ है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी झूठ बहुत सुंदर बोलते हो, लेकिन थोड़ा ठीक रेट लगाया करो, इतना नहीं किया करो।